सोनभद्र में 25 अक्टूबर को हुए चौपन थाना क्षेत्र के चौपन नगर पंचायत अध्यक्ष की हाई प्रोफाइल हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बताया हत्या के पीछे आशा नाई और खनन व्यवसाय का प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हत्या में कुल 13 लोग सम्मिलित हैं, जिनमें पुलिस ने आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपियों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पुलिस ने बरामदगी के रूप में एक कार्बाइन, 4 पहिया चवेरा, 3 मोटरसाइकिल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में 25 अक्टूबर की सुबह वॉलीबॉल खेलते समय अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर चौपन नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद की हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इस हत्या में कुल 13 आरोपी हैं, जिनमें पुलिस ने आज 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तार आरोपियों में 4 आरोपी ऐसे हैं जिन पर 25,000 का इनाम घोषित है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी में है कि दिनांक 25/10/2018 सुबह करीब 6 बजे के आसपास नगर पंचायत अध्यक्ष चौपन श्री इम्तियाज अहमद की कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में एक मुकदमा थाना चौपन में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा अपराध संख्या 238/18 धारा 302 में, जिसमें 2 लोग नामजद थे और कुछ अज्ञात थे। और घटनास्थल से एक अभियुक्त जो शूटआउट में शामिल था, कश्मीर कुमार पासवान उस रॉकेट, इनको वही कार्बाइन और लाइव राउंड के साथ थाना चौपन ने गिरफ्तार किया था। इस घटना के अनावरण के लिए हमारे स्तर से इसमें 3-4 टीमों का गठन किया गया था और कुछ चुनिंदा थाना अध्यक्ष, वार्ड प्रभारी, सर्विलांस टीम, अभिसूचना इकाई, ये सभी की टीम बना के फिर इनको जगह जगह पे रवाना किया गया था। और क्योंकि उसी टाइम हमने ये बताया था कि घटना के तार जो है झारखंड और बिहार से जुड़े हुए हैं, इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें कुल 13 अभियुक्तों को इसमें चिन्हित किया गया है और इसमें से 5 अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें कश्मीर पासवान है, रवि गुप्ता पुत्र मुन्नालाल है, पवन चौहान पुत्र वीरेंद्र कुमार है, कृष्णा सिंह पुत्र मान सिंह है और धर्मेंद्र कुमार पुत्र रमेश कश्यप। बाकी जो 3 टोटल 4 शूटर इसमें शामिल थे, 1 शूटर गिरफ्तार है, 3 शूटर फरार हैं, उन पे हमने रिवॉर्ड घोषित कर दिया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें जो है लगातार प्रयास कर रही है। और इसके लिए हमने बिहार और झारखंड के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधीक्षक है पलामू और औरंगाबाद के, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और हम बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे। घटना का जो मोटिव है तो मुख्यतः इसमें 2 बातें उभर कर सामने आई है। एक तो मृतक जो चेयरमैन थे वो काफी समय से खनन व्यवसाय में ये सम्मिलित थे जनपद सोनभद्र में, और जो 2 नामजद अभियुक्त हैं राकेश जायसवाल और रवि जलान, तो इसमें 2 मेन चीजें हैं। एक तो व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता है और दूसरा जो है वो आपसी रंजिश, महिलाओं से संबंध के चलते आपसी रंजिश, ये 2 मुख्य बिंदु है जिसके कारण ये घटना कारित की गई है। प्रथम जो बिंदु है व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता, तो राकेश जायसवाल और रवि जलान जो है वो इनके बिजनेस पार्टनर कभी रहे थे, इनमें आपसी मतभेद हुए, अलग हो गए। वर्तमान में जो ये टेंडर हुआ था उसमें इम्तियाज अहमद ग्रुप को सारे टेंडर मिल गए, जिसके खिलाफ दूसरी जो पार्टी है राकेश जायसवाल और रवि जलान, इन्होंने कोर्ट में PIL भी दाखिल करी थी लेकिन कोर्ट से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई। इन सारे घटनाक्रम में पहले भी इन लोगों में आपसी मतभेद हुए थे, कुछ जमीन को लेकर भी उनमें विवाद हुआ था, तो अल्टीमेटली इन लोगों को भी ये लगा कि इनका बहुत व्यवसायिक नुकसान हो रहा और उनका जो मुख्य बिजनेस है माइनिंग का, तो टेंडर नहीं मिल पाया, तो एक ये मुख्य वजह है जिसके लिए इनके द्वारा राकेश जायसवाल और रवि जलान द्वारा ये संपूर्ण षड्यंत्र की रचना की गई है।